विपरीत करणी आसन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। आज हम करने जा रहे हैं विपरीत करणी आसन। ये एक इन्वर्टेड पोज है, थोड़ा ध्यान से करना होता है ये। जब आप पोज करते हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपका पैरों से होते हुए आपके पूरा रिवर्स, मतलब रिवर्स में जाता है, आपके सर की तरफ मूव करता है। तो पहले देख लेते हैं कि इस आसन को किस तरह से करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट लेना है और उस मैट पर आपको सीधा लेट जाना है। आराम से, बिल्कुल इस तरह से लेट जाना है। जिस तरह से हम हलासन करते हैं या सर्वांगासन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से है, बट थोड़ा सा चेंज है। अब अपने पैरों को पीछे की तरफ लाना है और धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर ले, इस तरह से ले जाना है 90 डिग्री। यह तो आप स्ट्रेट नीचे से ऊपर भी ला सकते हैं, या फिर बेंड करके अगर आपको स्ट्रेटिंग में प्रॉब्लम है तो सीधा 90 डिग्री इस तरह से भी आप इस पोस्चर को कर सकते हैं। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाइए। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ हैं वो यहाँ पर हिप के पीछे, मतलब लोअर बैक और हिप इस तरह से रखते हुए अब पुश करना है ऊपर की ओर। ये आपने पुश किया, 90 डिग्री हुआ, और अपना पूरा वजन आपको अपनी एल्बो की तरफ लाना है थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। ये हो गया आपका विपरीत करने। धीरे से वापस आते हुए बिल्कुल आराम से हाथ नीचे, या तो नीस को मोड़ते हुए या फिर सीधा सीधा भी आप पैर को नीचे की ओर ला सकते हैं और फिर आराम की स्थिति में लेट जाना है। विपरीत करनी पोज आपके लिए, मतलब महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा पोज है। जब आप लेग ऊपर करते हैं तो ये वेरिकोज वेन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है आपके टांगों की तरफ, लेग्स की तरफ। तो लेग्स में अगर आपको थकावट है, कुछ पेन है, तो उसको भी रिमूव करता है। इन्वर्टेड आते हुए ये जो आपका विपरीत करनी है, आपके ब्रेन को भी काफ़ी हेल्दी रखता है, बैलेंस रखता है, आपका जो माइंड पावर है इंक्रीज करता है। ये आपके कान और नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी दूर करता है। विपरीत करनी आपके फेस के ग्लो को बढ़ाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर जाता है तो आपके बाल काफ़ी चमकदार होते हैं, ग्रेश बाल नहीं होते हैं, आपकी उम्र लंबी होती है। विपरीत करने से आपके कंधे, आपकी कोहनी, बाजू वगैरह, आपकी कलाई काफ़ी मजबूत होती हैं और लेग्स को भी स्ट्रेंथनिंग मिलती है। जिनको माइनर लोअर बैक पेन है वो भी विपरीत करने से काफ़ी ठीक होता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पेन है बैक की तरफ या हिप की तरफ, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ये आसन नहीं करना है। आपको कोहनी में इंजरी है या फिर कंधों और गर्दन की तरफ कोई प्रॉब्लम है, इंजरी है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो ये आसन अवॉइड करना है, क्योंकि उस कंडीशन में आपको वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, उस कंडीशन में आपको वहाँ पर इंजरी और बढ़ जाएगी और आप इसको जो फ़ायदा है वो नहीं ले पाएंगे। इस आसन को करने से आपके हार्ट के प्रॉब्लम में भी काफ़ी मदद मिलती है, मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है, आपकी बॉडी की टोनिंग भी होती है और वेट लॉस भी होता है। फीमेल्स के लिए जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत टाइम से नहीं आए हैं या फिर मेनोपॉज हो गया है, उसमें भी यह आसन बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप पीरियड्स हैं उस टाइम पर यह आसन नहीं करना है आपको। किसी को हर्निया है या हाई बीपी है तो भी आसन अवॉइड करना है, माइग्रेन है, सर में दर्द है तो यह आसन अवॉइड करना है, या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ ही रहकर इस आसन को आप कर सकते हैं। आसन ये सभी कर सकते हैं लेकिन किसी एक्सपर्ट की राय में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। विपरीत करनी को करने से पहले आप और भी पोस्चर ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अगर बिगिनर हैं इस आसन को ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं बनेगा तो आपको आपकी रिस्ट मुड़ सकती है, कोहनी मुड़ सकती है और इंजरी आपको ज़्यादा हो सकती है। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियाँ, कुछ आपके इसके फ़ायदे और किस तरह से आपको करना है, क्या गलतियाँ करनी है, नहीं करनी है, वो सब आप ये इस वीडियो के द्वारा देखकर ही इस आसन को कीजिए। थैंक यू सो मच, दोबारा मिलते हैं, धन्यवाद।